यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम बैक अगेन विद माय अनदर कंपैरिजन वीडियो। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल शो ऑल दिस बाइक्स इन फुल कंपैरिजन ऑफ होंडा सीआरवी एंड महिंद्रा एल्टुरा Z4। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना। तो गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, ये है हमारी होंडा सीआरवी। या गाइस, तो ये है होंडा सीआरवी जिसे मैंने आज शूट किया है और इसके साथ जो कंपैरिजन है उसे भी लिया है। तो महिंद्रा एल्टुरा के साथ कंपेयर किया है। इसकी जो प्राइस है 28.32 लाख है, जो कि आपके जो है प्लेस में जो है चेंज हो सकती है। वो तो सब कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसका लुक देख सकते हैं, पूरा बैक से लेकर फ्रंट तक मैंने इस वीडियो में शो किया है, कवर किया है। तो बता दो, स्पेक्स और रिटर्न क्वांटिटी रहेंगे, मैं नहीं बोलने वाला। मैं बस आपको बताऊंगा इसकी पूरी सच्चाई, क्यों नहीं टिकी ये इंडियन मार्केट में। पैक देख सकते हैं आप, क्या लुक है भैया। कार का लुक के मामले में अच्छी है, इक्विपमेंट के मामले में अच्छी है, लेकिन क्यों नहीं टिक पाई फिर भी ये, क्यों? क्योंकि आपको मिल रही है 28 लाख में बहुत अच्छी कार फॉर्च्यूनर, बहुत अच्छी कार एंडीवर। फ्रंट के मामले में, लुक्स के मामले में वो अच्छी कार है, लेकिन उससे भी जो बेहतर है फीचर्स के मामले में, इंजन के मामले में। अब मैं बता दूंगी, इसका जो इंजन है इस कार का वो है सिर्फ 1.6 लीटर डीजल इंजन। अब गाइस, क्यों इस वजह से वो जो है इंप्रेसिव नहीं पड़ी। पर लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए माइलेज, जो कि 14 ग्राम तेल की दे रही है। अब जो फॉर्च्यूनर है वो 17 तक की माइलेज जो है आपको आराम से दे देगी। तो भैया, लोग तो उसी के पीछे भागेंगे, 28 लाख दे रहे हैं आपको, तो क्या मिल रहा है उन्हें, सब ये देखते हैं। तो ओपन करके मैंने शो किया है आपको। तो और जो इसका इंजन सीसी है वो 1524 सीसी इंजन से 1947 सीसी इंजन तक रेंज कर रहा है। 14 KMPL की माइलेज है। आप देख सकते हैं जूम करके, जो मैंने आपको जानबूझ के शो कर रहा हूँ कि आप भी देखें भैया इसकी सच्चाई। तो इस वजह से जो है इम्प्रेसिव नहीं पड़ी। थर्ड सीट की बात करें तो थर्ड सीट के मामले में ओके, डील जो डन है। क्योंकि भैया, सबको चाहिए बड़ी कार हो, हमारे पास भी अच्छी कार हो, कार को स्पेस अच्छी है, लॉन्ग ट्रेवल के यूज़ कर सकते हैं। और खरीदने वाले तो खरीदते हैं, चाहे कितना भी उनके पास पैसा उड़ाएंगे, जितना भी मर्जी उड़ा सकें, तो वही कर रहे हैं लोग इस पर। लेकिन फिर भी ये टिक नहीं पाई। तो इस वजह से जो है मैंने फिर भी कंपेयर शो किया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे सोचा है खरीदने के लिए। तो भैया, वो तो खरीद ही गए, तो चलिए मैं आपको इंटीरियर शो कर देता हूँ। तो इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर पे भी बहुत अच्छा वर्क किया गया है। होंडा ने बहुत गजब भी वर्क किया है इंटीरियर पे, लेकिन भैया वो वर्क करना भूल गई इंजन पे और थोड़ा माइलेज पे। तो गाइस, अब मैं आपको शो कर रहा हूँ इंटीरियर। तो 5 सीटिंग कैपेसिटी है इसकी, और की फीचर्स पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो एंटी लॉक, ब्रेकिंग सिस्टम और भी बहुत सारे की फीचर्स हैं। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं इस कार को बाय करने के लिए। तो वैसे तो मैं किसी चीज़ को मना नहीं करूँगा कि आप, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो बाय करें, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूँगा, फ़ायदे में रहना है तो एल्टुरा को ज़रूर खरीदें। गियर जो है इसमें 9 है, तो गियर इतने ज़्यादा है मैं नहीं समझ पाया इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं आप सभी तक जो है सब कुछ सही से बताऊंगा। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स इसमें जो है 4 हैं। तो भैया, अच्छी कार है, अगर आपको पसंद है, आपने ख़रीद रखी और अब वीडियो देख रहे हो तो सॉरी गाइस अगर मैंने आपकी इस कार को बुरा कहा हो, लेकिन रेटिंग्स आप देख सकते हैं, बहुत गंदी रेटिंग्स है इस कार की। 4.2 किसी भी कार के लिए बहुत थोड़ा गिरा हुआ होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। So guys, ये तो था हमारे। अब मैं सीआरवी के एक और चीज़ बता दूँ कि ऑटोमेटिक में है और जो 19.5 तक की ये जो है देता है माइलेज। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ एल्टुरा की, आज के इसके कंपेयर की। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़ा उसका भी कंपैरिजन देख लें। सो गाइस, बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरी कार की तरफ। तो ये है महिंद्रा एल्टुरा Z4। या गाइस, तो आज का कंपेयर है सीआरवी के लिए। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इस कार का कंपेयर लिया है, क्योंकि ये भी लेटेस्ट कार है, लेकिन ये जो है कंपैरिजन जीत चुकी है
उसका रीजन जो है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस मैं बता दूं, इसका जो लुक के मामले में बहुत किलर कार है भैया, मजा आ गया इसको देखकर। और आप जो है पूरा लुक आप देख सकते हैं इसका जो पूरा भैया, बहुत बढ़िया लुक है। एक परफेक्ट एसयूवी है, 28.69 टू 31.69 लाख तक इसकी प्राइस है। आप फ्रंट को देख सकते हैं, बहुत अच्छा फ्रंट पे वर्क किया है महिंद्रा ने। महिंद्रा की कार तो सभी को बहुत अच्छी लगती है, ये सभी जानते हैं। तो बता दूं इसका जो इंजन टाइप है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इंजन जो है D22 DTR इंजन है, जो कि मैंने आपको सबसे महंगे वेरियंट यानी 31.69 लैक्स का बताया है। तो बैक के ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वर्क किया गया है। और जो इंजन है वो जो है ऑटोमेटिक में, ये जो है 4x4 ऑटोमेटिक डीजल में अवेलेबल है। और एक चीज बता दूं, ये भी सिटिंग कैपेसिटी इसकी भी 7 है, लेकिन ये दे रही है आपको एक कार्गो स्पेस, एक बहुत बढ़िया इक्विपमेंट्स, ये जो आपको परफेक्ट एसयूवी लगेगी। और मैं बता दूं सीआरवी को इसने बहुत उठा के जो है फेंक दिया है। तो ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन करके चलिए दिखा देता हूँ। तो ये है पूरी कार ओपन करके। तो भैया इसके जो बात करूँ, इसमें फीचर्स के मामले में बहुत अच्छी है, एसयूवी है तो भैया मज़ा ही अलग होता है एसयूवी का। तो पावर जो है 178 BHP की जो है पावर दे रहा है ये कार। तो डीजल में अवेलेबल है आपको बता दूं। और जो माइलेज है ज़्यादा अच्छी नहीं है, 12 की माइलेज है, वो खास नहीं होती आप सभी को पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं उससे तो क्या ही कह सकते हैं, अच्छी ही है। तो चलिए इंटीरियर पे चलते हैं। तो भैया हम आ चुके हैं इंटीरियर में, और आप बिलीव करें कि मैं स्पेस कार जिसने अपना फेस आज रिवील किया है, वही आपको जो है बोल कर जो है दिखा रहा है इसके इंटीरियर्स। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि ये भी बहुत किलर कार है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सिटिंग कैपेसिटी इसके 7 है, की फीचर्स तो बिल्कुल ही सेम है इसके जो सीआरवी के हैं। तो मैं बता दूं इसके जो मतलब मज़ा आ गया यार, इंटीरियर थोड़े वैसे ही हैं जैसे जो है बाकी महिंद्रा की कार्स के होते हैं। तो आमतौर पर हमने अधिकतर जो है यही जो है इंटीरियर देखा होगा बहुत सारी महिंद्रा की कार्स में, जो सीट्स होती हैं वो सेम ही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उनका भी यही है। बहुत अच्छी लगती है मुझे महिंद्रा की कार्स, मजबूत कार्स होती हैं और लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं भी प्रेफर करूँगा आपको महिंद्रा की अल्टूरस खरीदने के लिए, अगर आप सीआरवी और महिंद्रा अल्टूरस में कंफ्यूज हैं। गियर बॉक्स जो है इसके 7 है, इसका जो है मैं समझ चुका हूँ ये बहुत बढ़िया कार है। रेटिंग से बात करेंगे अभी कुछ ही देर में। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स इसमें 4 हैं, फ्यूलिंग कैपेसिटी जो है 70 लीटर्स की है, और एक कुछ डिटेल जो है आप सीट देख ही सकते होंगे, तो 7 कैपेसिटी है। रेटिंग्स बता दूं मैं आपको, कारदेखो.com ने 4.9 स्टार्स दिए हैं, मैंने इसे 4.8 स्टार दिया है, और carwheel.com ने इसे 4.5 स्टार दिया है। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी बढ़िया कार है। तो चलिए वापस से एक्सटीरियर पे ही आते हैं। तो गाइस आज का कंपैरिजन यही पे खत्म होता है, और मैं रिजल्ट आपको डिक्लेयर करता हूँ कि जीत चुकी है ये कार एल्टूरस G4। आप स्टार रेटिंग जो है देख ही चुके होंगे, तो भैया इसने जो है मुकाबला को जीत लिया है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जल्दी से जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, थोड़ा सा टाइम बच जाए, एनर्जी बच जाए तो शेयर भी कर दें, और फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।